60 और 70 के दशक में पटना, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ जैसे छोटे शहरों के विश्वविद्यालयों में एक बड़ा मशहूर नारा लगा करता था, ऊंची जात की क्या पहचान, घिटपिट बोले करे नकाम, नीची जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये नारा समाजवादी छात्र सभा का था और इसके प्रणेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिसाब से ऊंची जाति की क्या पहचान थी और वो इस ऊंची जाति में किसे किसे शामिल करते थे। नमस्कार, मेरा नाम अमृतांशु है और मैं अम्बेडकरनामा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा का विशेष कार्यक्रम लोहिया वैचारिक वाहिनी, जिसमें हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों, कार्यक्रमों एवं नीतियों पर बात करते हैं। एक पहली बात जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा वो ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोई सिद्धांतकार नहीं थे। उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं गढ़ा, सिद्धांत नहीं बनाया। वो एक राजनेता थे जो एक वैकल्पिक भविष्य की कल्पना करते थे। इसलिए ये बड़ा नाकाफी होगा कि हम उनके विचारों को एक मूर्ति नुमा सांचे में ढाल करके बहुत थ्योरेटिकल तरीके से बताएं। उनके विचारों का जो कैनन है वो बहुत व्यापक है, उसमें तमाम तरीके की बातें हैं। वो किसी जलसे में कुछ बात कह रहे हैं, संसद के अंदर कुछ बात कह रहे हैं, कोई छोटा सा लेख लिख रहे हैं, उन तमाम बातों का समावेश है और उनकी बातों को थ्योरी के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता। एक दूसरा बात पिछले एपिसोड में जो हमने कही उसी से शुरू करें। पिछले एपिसोड में हमने जानने या समझने की कोशिश की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या थे। मैंने कई सारी बातें कही, लेकिन इसके बावजूद जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं उसमें एक जो जरूरी बात है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोई बड़े फिलासफर तो थे नहीं, दार्शनिक थे नहीं, और एक जो राजनीति में एक बड़ा तौर तरीका है, एक सभ्य सोफिस्टिकेटेड या स्टेटमैन टाइप नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो भी नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जो किसी फंतासी की तरह लगे कि आने वाले 200 साल बाद ऐसा होगा, समय ऐसा होगा, एक रात में दुनिया बदल जाएगी, वैसा उनका कोई विचार नहीं था। वो बड़ा व्यवहारिक बातें करते थे, उनमें आदर्शवाद था, लेकिन वो आदर्शवाद बड़ा बगावती आदर्शवाद था और उसके साथ वो बड़ा व्यवहारिक थे। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो वैचारिक कैनन है उसको हम ये प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के तौर पर कह सकते हैं कि उनका जो आदर्शवाद है वो व्यवहारिक आदर्शवाद है। उसमें बदलाव की बड़ी बड़ी बातें तो हैं लेकिन वो व्यवहारिक है और इसी व्यवहार से जुड़े हुए उनके जाति के विचार हैं और जाति के विचार उनके बड़े फैले हुए हैं। कभी वो किसी विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, कभी वो संसद में किसी विशेष समुदाय के वेतन के इजाफे की बात कह रहे हैं, कभी किसी सभा में वो किसी एक सवर्ण जाति या कोई शोषक जाति जिसे वो मानते हैं उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो जो जाति पर उनकी चर्चा है वो बड़ी लंबी है, लेकिन आज हम उनकी जाति में जाति से संबंधित सबसे जो एक मुख्य विचार उस पर बात करेंगे, जिसको हम ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से ऊंची जाति के लोग कौन हैं। तो इसका हवाला हम एक आर्टिकल से करेंगे। उनका एक आर्टिकल था 1959 में, वो भाषण था या लेख था इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक भाषण जैसा लगता है और जिसका उन्वान है कि भारत के शासक वर्ग, दुनिया के तमाम राष्ट्रों में अलग अलग शासक वर्ग होते हैं। जर्मनी में एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है दुनिया की फिलॉसफी में, बुर्जुआ, जिसका अर्थ होता है कि कौन सत्ता को नियंत्रण कर रहा है। उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। भारत में भी एक विशेष समुदाय है जो सत्ता को लगातार नियंत्रण करता है। वो अगर उसका व्यक्ति अगर सरकार के उच्च पद पर नहीं होता तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो राजपालिका होती है या फिर जो कार्यपालिका होती है, उसमें उसके लोग होते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत के शासक वर्ग के तीन गुण बताए। पहला उन्होंने कहा कि ऊंची जात, दूसरा उन्होंने कहा अंग्रेजी जबान, और तीसरा उन्होंने कहा कि संपत्ति। अगर इन तीनों में से दो आपके पास हैं तो आप भारत के शासक वर्ग में शामिल हैं। अगर आपके पास ऊंची जाति है और आपके पास बड़ी संपत्ति है तो आप भारत के शासक वर्ग में हैं।
और सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊंची जाति में वो किन सामाजिक समूहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका ऊंची जाति से आशय है ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये जो कायस्थ समुदाय है, और चौथा समुदाय वैश्य समुदाय। और वो एकदम स्पष्ट साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भारत की जेब पर भारत के बनिया लोगों का नियंत्रण है, और जो भारत का मन है उस पर भारत के ब्राह्मण लोगों का नियंत्रण है, और वो इससे ऊपर उठ करके एक समता मूलक समाज की स्थापना का सपना देख रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों के पास या कुछ जाति के लोगों के पास, कुछ समूह के लोगों के पास, कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के पास सत्ता का कोई नियंत्रण ना हो, सत्ता का लोकतंत्रीकरण हो, सत्ता का जनतंत्रीकरण हो, सत्ता हर व्यक्ति के पास जाए। और उसके बारे में वो बड़ी दिलचस्प बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा गुलाम हुआ देश है, भारत को तमाम आक्रांताओं ने हराया, और इसके बारे में वो सबसे बड़ा अगर कोई किसी विशेष घटना को या किसी विशेष स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं तो वो भारत की जाति प्रथा को है, कि भारत की जाति प्रथा ने समाज को इतना जकड़ा कि जो भारत में तथाकथित निचली जाति के लोग हैं उनको कभी ना शासन का नया फिर भारत के समाज का एक हिस्सा ही नहीं माना गया, और जब वो समाज में बहुसंख्यक होने के बावजूद समाज का हिस्सा नहीं थे तो भारत में जब आक्रांताओं आए तो उन्होंने उसका बहुत फायदा उठाया और इसकी वजह से भारत बहुत गुलाम हुआ। और वो जिस भारत का सपना देखते हैं वो केवल उन्नत भारत नहीं है, वो विकसित भारत भी है, उसमें उन्नति भी है, उसमें केवल और केवल समता समानता की बात नहीं है, उसमें उन्नति की बात भी है। तो जो जिस उन्नत भारत का वो सपना देखते हैं, भारत की जिस उन्नति की बात वो करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर भारत में जो तथाकथित निचली जाति के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो भारत कभी उन्नत राष्ट्र नहीं बनेगा। वो भारत में जो तथाकथित या फिर भारत में जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं उन पर टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने भारत के अधिकांश संसाधनों को या भारत की अधिकतर आमदनी उनके जेब में है, और भारत में जो गैर बराबरी है उसमें वो एक जाति को भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। तो उनके हिसाब से जो ऊंची जाति में समुदाय है उसमें ये चार सवर्ण जातियां हैं, और वो उन सवर्ण जातियों के घर में जो महिलाएं हैं उनको ऊंची जाति में शामिल नहीं करते, वो महिलाओं को तथाकथित निचली जातियों में शामिल करते हैं, क्योंकि महिलाओं को भी वैसा ही शोषित रखा गया, वैसा प्रताड़ित करके रखा गया है। तो अगर, और लोहिया कहते हैं कि अगर हमको इस जाति के कुचक्र से बाहर निकलना है, ये जाति का जो दमनकारी कुचक्र है इसको तोड़ना है, इस कटघरे को तोड़ना है, तो हमको एक जो काम करना होगा वो ये होगा कि जो ये शोषित वर्ग है तथा कथित निचली जाति है जिसमें देश की 90% बहुसंख्यक आबादी आती है, इसको विशेष अवसर मुहैया कराने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि ये जो ऊंची जाति के लोग हैं इनमें से तो ऐसे लोग हैं जो जाति पर बात ही नहीं करना चाहते, उनके लिए जाति एक दमनकारी चीज है लेकिन वो उससे ऊपर उठ गए हैं, तो ऐसे लोग भी समाज के लिए घातक हैं जो जाति पर बात ही नहीं करना चाहते। और वो एक जर्मनी के बड़े बड़े प्रसिद्ध या फिर यूरोप के बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं मैक्स वेबर की बात का भी हवाला दे रहे हैं। मैक्स वेबर कहते थे कि जो भारत के लोग गए हैं, जो यूरोप पढ़ने जा रहे हैं, जब ये यूरोप से वापस आएंगे तो समतावादी सिद्धांतों को लेकर आएंगे, और जब समतावादी सिद्धांतों को लेकर आएंगे तो भारत में जो गैर बराबरी की जो पुरानी रूढ़ियां हैं, गैर बराबरी के जो पुराने नियम हैं उनको तोड़ेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं इस बात में मैक्स वीबर भी फेल हुए, क्योंकि जो भारत का सवर्ण समुदाय है वो जाति के कटघरे में ऐसा बंद है कि वो उससे इनकार नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति उससे इनकार भी कर रहा है वो भी अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा रहा है। तो उनके हिसाब से जो जाति की बेड़ी है इसने भारत को इस कदर जकड़ रखा है कि भारत में कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है, कोई व्यक्ति नीचे से ऊंचे नहीं जा सकता। और एक जो बात है समान अवसर की, तो तमाम जो उस वक्त के राजनेता थे वो कह रहे थे कि अगर हम अवसर की खाई को पाट देंगे, अगर सभी समाज के लोग पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो जो ये जाति का बंधन ये टूट जाएगा, समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। तो वो उस पर भी कहते हैं कि अगर आप एक व्यक्ति जो 5 साल से सुसंस्कृत है, बड़ी अच्छी जवान में बात कर रहा है, उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जिसे 5 साल तक सामाजिक जीवन देखा ही नहीं, उसको सामने लाएंगे तो उनका क्या मुकाबला होगा।
दो पहलवान को लाए, एक पहलवान 5,000 साल से खा पी रहा है और दूसरा पहलवान है वो 5,000 साल से एक पिंजड़े में बंद है, दोनों की कुश्ती कैसे होगी? तो वो विशेष अवसर की ही बात कर रहे हैं। और वो भारत का जो ब्राह्मण समुदाय है या जो भारत की ऊंची जाति है तथा कथित भारत का सवर्ण समुदाय जिसकी बात कर रहे हैं, उसके कुछ विशेष गुणों का भी जिक्र कर रहे हैं। तो वो जो भारत का तथा कथित बुद्धिजीवी है वर्ग है उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। वो बुद्धिजीवी वर्ग ऊंची जाति से आता है, तो वो बुद्धिजीवी वर्गों पर कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्गों पर ज्ञान का सार है वो बहुत विशिष्ट नहीं है, उनके पास जो ज्ञान है वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उनके पास एक बनावटी भाषा है, एक बंदर की तरह वो अंग्रेजी बोलते हैं, और दूसरा उनके पास एक सुसंस्कृति है, बड़े ठीक ढंग से पेश आते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, और जिसके जरिए उन्होंने अपनी सत्ता को बनाया है। तो ये जो उनका एंग्लोफाइल हो गए हैं, जो यूरोपीय जीवन स्तर को अपना करके बड़ा विशिष्ट बन गए हैं, ये भी बड़ा तोड़ने की बात है कि आप किसी भी भाषा में बोल रहे हैं और आप बहुत सुसंस्कृत हैं तो आपको लगता है कि आपके पास अथॉरिटी आ गई है। तो लोहिया इसके खिलाफ कुछ विकल्पों की बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ वो उसके खिलाफ एक तो वो बात कर रहे हैं कि विशेष अवसर मिले जो भारत का दलित वर्ग है या जो भारत का दमित वर्ग है, शोषित और उपेक्षित वर्ग है, उसको विशेष अवसर मुहैया कराए जाए। और जो दूसरा तीसरा उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने अंतर जाति विवाह पर बड़ा जोर दिया, पटना में जाति तोड़क या फिर जाति जाति विनाशकारी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें जाति के विनाश की या जाति के उन्मूलन की बात हुई, तो उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो जाति का उन्मूलन होगा वो बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हो सकता है। उसमें एक प्रैक्टिकल तरीका ये हो सकता है कि रोटी और बेटी का सवर्ण जातियां या ओबीसी जातियां दलित जातियां सबके बीच रोटी और बेटी का रिश्ता हो और दोनों के घर में अंतर जाति विवाह हो जिससे ये जो जाति का जकड़न है ये टूटेगा। और इसके अलावा तो जो हमने शुरू में बात कही कि ऊंची जाति की क्या पहचान, खिटपिट बोले करे नकाम, नीची जाति की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, तो उससे इनका ये भी मतलब है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो श्रम करने से, बेसिकली फैक्ट्री में काम करने से या मजदूरी के काम करने से बहुत कतराते हैं, उनके लिए भीख मांगना ज्यादा बेहतर काम है बजाय इसके कि वो मजदूरी का काम करें। तो वो ये भी बात कह रहे हैं कि जो समर्ण युवा हैं या फिर जो समर्ण व्यक्ति हैं उनको अपनी इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, उनको भी समाज की उन्नति में अपना योगदान देना पड़ेगा भले वो चाहे श्रम के रूप में हो। तो जो ये जितना बड़ा कटघरा है जिसे वो कहते थे कि एक बीमा टाइप कहा जाती व्यवस्था कि आप पैदा हुए आपका बीमा हो गया, कोई उसमें किस्त नहीं भरनी है, कुछ नहीं भर रहा, आपके मरने तक उसी में थे, तो उसको तोड़ेंगे तो भारत का जो पूरा पोटेंशियल है वो रियलाइज कर पाएंगे। राष्ट्र की उन्नति अगर आप चाहते हैं तो भारत के जितने भी हर एक इंडिविजुअल को एक जैसा बढ़ने दीजिए, एक समय आएगा जब सब एक जैसे हो जाएंगे। और जो भारत का तमाम भारत एक मरा हुआ देश उनके हिसाब से है कि भारत रेंग रहा है, उसकी उन्नति हो जाएगी। तो वो जाति को तोड़ने की बात कर रहे हैं और उनके हिसाब से ऊंची जाति का लोग, तो उनके हिसाब से जो भारत का शासक वर्ग है जिस पर हमने शुरू से बात की, उसकी ऊंची जात है, अंग्रेजी जबान है और तीसरा उसके पास संपत्ति है, तो वो इसके खिलाफ उनके कई कार्यक्रम हैं, उनकी नीतियां हैं। तो उनका एक बड़ा विशेष कार्यक्रम है अंग्रेजी विरोधी कार्यक्रम जिसमें वो अंग्रेजी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, वो संसद से लेकर के सड़क तक, महफिलों में, पंडालों में, हर जगह वो अंग्रेजी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अंग्रेजी के खिलाफ वो बोल रहे हैं तो बहुत लोग उन पर आरोप भी लगाते हैं कि वो हिंदी के समर्थक में बोल रहे हैं, तो वो कई बार इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि हम हिंदी के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। और डॉक्टर लोहिया ने एक और काम किया, डॉक्टर लोहिया ने तमाम प्रांतों में अपनी पार्टी के भीतर जो तमाम उपेक्षित जातियां हैं, उपहासित जातियां हैं, उनके नेताओं की एक जमात को तैयार किया। तो जो उनकी नेताओं की एक जमात थी वो भारत में एक वर्ग है जो जाति पर बात करने से नाक भौंसी कोड़ता है, उसके सामने जाकर के संसद में खड़े होकर के, सड़क में खड़े होकर के, बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े महफिलों में उसकी आंख से आंख मिला करके जाति पर बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। तो जो भारत का शासक वर्ग है जिसमें तीन प्राथमिक कैटेगरी हैं, ऊंची जात, अंग्रेजी जबान और तीसरा संपत्ति, इसको तोड़ने की वो हिमायती हैं। और उसमें बहुत सारे लोगों ने थ्योरी पूरी दुनिया में दी कि दुनिया में शासक वर्ग कैसा होता है, तो वो जो एक हेजमनी टाइप का है कि एक हेजमनी है इन तमाम वर्गों की, उसको तोड़ने की वो लगातार बात कर रहे हैं। और इसके साथ वो जाति पर और भी बातें कर रहे हैं और जाति के
जाति के ऊपर, जो जाति और उन्होंने नारी पर बात की है वो भी बात कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में जाति पर उनके विमर्श को और नजदीक से जानेंगे और गहराई से जानेंगे कि वो ऊंची जात के अलावा भी और क्या क्या बातें कर रहे हैं और कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी नीतियां सुझा रहे हैं।